सभी आंगनबाड़ी बहनें, आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगी, क्योंकि आज रविवार है और आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां इस सप्ताह में आए हैं आप सभी के साथ हम लोग शेयर करना कोशिश किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। आप सभी को आप बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपके संघ के द्वारा, आपके बिहार सरकार के द्वारा जो लेटर आए हैं सभी को हम लोग आज दिखाने वाले हैं कि जो सेविकाएँ सहायिकाएँ अपने हड़ताल पर हैं और जो सेविकाएँ सहायिकाएँ हड़ताल से वापस चली भी गई हैं सभी को बता दें कि पहले की तुलना में अब आपका जो कार्य है, जो अपने आंगनबाड़ी को संचालन करना कितना कठिनाई भर दिया गया है और भी आप सभी को कितना प्रेरित किया जाएगा अब आप लोग देखिएगा। क्योंकि जब आप लोग हड़ताल किए आप सभी को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आप सभी पर उल्टा आप सभी पर कार्रवाई किया गया, चयन मुक्ति का प्रदान किया गया और आप सभी पर कार्य का और भी बोझ दे दिया गया है। चलिए आप सभी को हम लोग दिखाएंगे सभी लेटर को, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो सेविकाएँ सहायिकाएँ बीएलओ का कार्य करते हैं उनको भी पहले भी बहुत सारे लेटर निकल चुका है कि वो बीएलओ में कार्य नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उन पर दबाव देकर कार्य किया जाता है, करवाया जाता है। और आप सभी को बताएं फिर से एक लेटर निकला है जिसमें कि हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को, इलेक्शन में ड्यूटी दिया गया है, यानी कि भले ही आप सभी को बोल दिया गया है कि आप सभी को नहीं लिया जाएगा कार्य में, लेकिन फिर भी ऐसा सरकार के द्वारा निकाला जाता है और हमेशा लिया जाता है। आप सभी को पहले बता दें, अभी एक आवश्यक सूचना आप सभी को बता दें, हड़ताल संबंधित है, समझिएगा थोड़ा सा। इसमें आवश्यक सूचना है, किसी भी सेविका सहायिका को कानून के हिसाब से अकेले हड़ताल पर करने या तोड़ने का अधिकार नहीं है, ये आपके संघ कहती है, नहीं होता है। यह बात हमारी समझ में सभी लोग जानते हैं, यह हड़ताल राज्य व्यापारी है, इसलिए राज्य संगठन के आह्वान पर पूरे बिहार में चल रही है। राज्य संगठन के लेटर के बाद ही जिला संगठन के परियोजना संगठन इस संबंध में उस लेटर के आलोक में कुछ भी फैसले ले सकती है। ये बात बिल्कुल राइट कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो हड़ताल का निर्णय है और जो भी हड़ताल, अगर आप लोग गए थे तो आप नहीं गए थे कहीं भी डॉक्यूमेंट देने के लिए कि हम हड़ताल पर चले आए, आपके संघ ने आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों को उन्होंने यहाँ पर दिया, जमा जाके किया आपके कार्यालय में, जिला मुख्यालय में, कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। आपके संघ ने सभी कार्य को संभाला, आप सभी कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके संघ सारा कार्य को संभाल रही है। तो यही अधिकार आप सभी को भी नहीं मिलता है कि आप लोग बेक कर लें, बिना अपने संघ से पूछे आप लोग हड़ताल से वापस चले आएँ, ये भी आपको हक नहीं मिलता है, ये साफ तौर से बोला जा रहा है। इसलिए राज्य संगठन के आह्वान पर पूरे बिहार में चल रही है, राज्य संगठन के लेटर के बाद ही जिला संगठन के परियोजना संगठन इस संबंध में उस लेटर के आलोक में कुछ भी फैसला ले सकती है। अपने मन में या किसी के दबाव में हड़ताल से वापस आए वैसे सभी का सहायक सहित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई या संगठन के द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है। इन सब पर बातों का वापस आने वाले लोगों को ध्यान में रखकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। आप लोगों को अपने अनुभव और इस आंदोलन के मालूम हो गया है कि कोई भी LS या CDPO और अन्य कोई भी विभागीय अधिकारी स्टाफ कभी भी किसी सेविका सहायिकाओं की भलाई के नो नहीं चाहेंगे, ये सही बात है। कहीं भी चाहेंगे सभी अपने ऊपर होने वाले कार्रवाई से बचने के लिए सेविका सहायिकाओं को डरा धमका कर झूठ फ्रेब करके आंदोलन को कमजोर करने की प्रयास की जा रही है। इस बात को सभी को समझना चाहिए। मामूली मालूम चला है कि कुछ अधिकारियों के द्वारा सेविका सहायिकाओं को कहा जा रहा है कि आपका महासचिव शबनम झा खुद की चयन मुक्ति हो गई है तो वह क्या बचाएगी। वैसे अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि लेटर तो वह निकाले हैं, आगे भी निकलते सकते हैं, हड़ताल अवधि में मुझे या मेरे एक भी सेविका सहायिकाओं को पूरे जिला भर के चयन मुक्ति कर दे, यह मेरी खुलकर चैलेंज है। इस प्रकार से आपके संघ के द्वारा बोला जा रहा है कि आप सभी को जो डराया धमकाया जा रहा है, चयन मुक्ति का जो यहाँ पर आक्रोश दिखाया जा रहा है कि अगर आप लोग नहीं आते आप लोग को चयन मुक्ति कर देंगे, आपका नाम लेकर या आपके प्रखंड में किसी को ये भगावे देकर आप लोगों को बोला जा रहा है, तो डायरेक्टली आपके महासचिव, राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी के सभी का सहायक नहीं रहते हैं, वे सभी को आज तक बचाते रहे हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। मतलब कि आपके जो संघ हैं वो सीधा आप लोगों को ये आदेश करते हैं कि आप लोग नहीं डरें किसी से, जो भी निर्णय होगा हम सभी के द्वारा लिया जाएगा और आप सभी अपने संघ पर विश्वास रखें, जल्द ही जो निर्णय होगा आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। यानी कि संघ ने आप लोगों को बस 7 और दिनों का मोहलत मांगा है कि आप लोग दीजिए, हमारे साथ रहिए, जल्द से जल्द जो होगा हड़ताल से वापस होगा तो होगा या तो हड़ताल पर रहेंगे, जो भी निर्णय होगा जल्द ही आप सभी के साथ शेयर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग संघ को विश्वास रखें और अपने संघ पर एकता बनाए रखें, ये अपने संघ आपसे अनुमति एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, इस प्रकार से लेटर जो है वायरल किया जा रहा है, आप सभी के द्वारा भी ये सूचना प्रकाशित किया जा रहा है। अब आप सभी को दिखाएं
जो कि और भी लेटर आप सभी को मिला होगा, जो कि दिनांक 22 नवंबर को भेजा गया है। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन केदार भवन अनंतगंज में पटनागर में बिहार में ये मीटिंग किया गया था 22 नवंबर को, उनमें भी ये बैठक किया गया था। इसमें भी आप लोगों को बता दें, बस आप लोगों का चर्चा किया गया था, जिनको जिनको चयनमुक्ति किया गया उनको चयनमुक्ति से पहले वापस लिया जाए, फिर हम आंदोलन को तोड़ेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो चयनमुक्ति हो चुके हैं सभी का सहायिकाएँ, अगर आप लोग हड़ताल से वापस चले आते हैं तो जो चयनमुक्ति होगी उनका आवाज़ कौन उठाएगा, वो अकेले पड़ जाएंगे। तो उस स्थिति में आप सभी का जो एकता है वो कठोर एवं अकेला पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। संघ के आलोक में आए हैं तो संघ ही आप सभी का बेड़ा पार करेगा। तो इसीलिए संघ आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग अपने हम पर विश्वास रखें, अपने किसी पर भी आप लोग विश्वास ना करें। तो संघ पर आप लोग, संघ आप सभी रिक्वेस्ट कर रही है, कुछ दिनों का हम सब पर आप विश्वास बनाए रखें, कुछ दिन और हम जितना दिन आप लोग रखें, 2 महीना आप लगभग रख चुके हैं अपने संघ पर विश्वास, बस आप सभी आप जीत के बस नज़दीक हैं, कुछ दिनों की बात है, हमारे पर विश्वास रखिए, जल्द ही आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ है, सेविकाओं में डर फैल गया है कि चयनमुक्ति हमें भी कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि जो चयनमुक्ति हो चुका है वो सेविकाएँ फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगी, होगा थोड़ा सा प्रक्रिया कुछ होगा, लेकिन उनको भी ज्वाइन मिलेगा, क्योंकि वो कुछ गुनाह नहीं किए हैं, अपना हक का लड़ाई किए हैं। ऐसा में होगा तो कोई भी अपना हक का लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। तो डरे नहीं, अपने संघ पर विश्वास रखें, यही आपके कुमार बिंदेश्वर सिंह आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। और भी न्यूज़ आप सभी को दिखाते हैं कि आप लोग अपने संघ पर विश्वास नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप सभी को देखिए सरकार के द्वारा कितना दबाव किया जा रहा है। अभी ही आप सभी को दिखाएं जो लेटर निकाला गया है बिहार सरकार के द्वारा, विकास परियोजना विभाग से ये लेटर निकला है। भले ही ये आपके सरकार यानी बिहार सरकार का नहीं है, ये राजस्थान सरकार के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पर ये लेटर निकाल के ये प्रकाशित किया गया। आप लोगों को बता दें, ऐसा जब नियम बनता है कि सेविकाओं को किसी अन्य कार्य में नहीं लिया जाएगा, तो सभी राज्य में एक ही नियम बनता है, क्योंकि ये भारत सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो भारत सरकार से द्वारा कार्य करती है, तो सभी जगह एक ही कार्य होता है। लेकिन देखिए राजस्थान सरकार ने नया फैसला किया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार का ये फैसला आया है, ऊपर में देख सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा रिटर्न निकाला गया है, जो कि कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा निकाला गया है। इसमें आप लोग देखिएगा जो कि मेन बात यहाँ पर बोला गया, श्रीमान जिला निर्गत अधिकारी जिला कलेक्टर को बोला गया है ये कि मूल वे आदेश विधानसभा चुनाव 2023 के दिनांक 25/11/2023 को होने वाले चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं का पहचान हेतु सूची अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आशा सहयोगी साहित्य की बूथ चुनाव ड्यूटी सरकार निदेशालय, यानी कि देखिए साफ तौर से यहाँ पर लिख गया है, ये थोड़ा सा धुंधला है लेटर, लेकिन आप सबको बता दें इसमें साफ तौर से लिख दिया गया है, बोला गया है कि आप अगर आप लोग चाहें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, या जो भी मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा कार्य करती है, सभी को आप लोग अपने चुनावी कार्य में ड्यूटी लगा सकते हैं। ये डायरेक्टली देखिए महिला एवं बाल विकास के द्वारा ये लेटर निकाल दिया गया है। आप लोग भले ही आप लोग सोचते रह जाइए आप लोग कहीं भी कि आप लोगों को नहीं लिया जाएगा कहीं डिप्टी में, देखिए यहाँ पर देखिए निकाला गया है। जब आप लोगों को बिहार में जब चुनाव होगा तो बिहार में भी इसी प्रकार से आप सभी को लेटर निकाल के ये आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि आप लोग कार्य कीजिए। इस प्रकार से आपसे कार्य लिया जा रहा है और आप सभी को वेतन मांगे तो आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर इनकार किया जा रहा है। तो इस प्रकार समझिए सरकार की नीति को, समझिए आप लोग। तो आगे दिखाएं आप लोगों को, देखिए आप लोग अभी भी आप लोग हड़ताल पर हैं, और आप सभी को बता दें आप सभी का जो अक्टूबर महीने का जो पेमेंट है आप लोग साफ तौर से देख लीजिए, ये देखिए नॉट प्रोसेसिंग योर रीजन सैलरी ऑफ जनरेटेड, पहले ही आप सभी को वहाँ पर स्टेटस में लिख दिया गया है कि हम लोग किसी सभी का सहायिकाओं को जो हड़ताल पर है उनको एक पैसा भी नहीं देंगे। किस प्रकार से यहाँ पर देखिए आक्रोश दिखाया जा रहा है, आप लोग बैठे रहिए और आप सभी का पेमेंट तो कट ही गया, अब आप लोग जो कट गया है वो तो अब मिलेगा नहीं, आज जो आपको बढ़ना चाहिए बस कुछ पैसा बढ़ा दिया जाएगा और आप लोग हड़ताल से चले आएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग राजनीति को समझिए, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अपने महासंघ पर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आगे आप पछताइएगा ये निश्चित है। देख रहे हैं आप लोग ये इस प्रकार से, अभी आप लोग देखिएगा पोषण टेकन में कितना बड़ा अपडेट आ चुका है। आप लोगों को पहले भी पेपर के माध्यम से हम सब बताए थे कि आप सभी के केंद्र का निरीक्षण जो है वो आप बहुत ही कड़ा ढंग से किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को जो महासचिव हैं मदन साहनी
उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने हर धर्मी को त्याग नहीं रही है और कार्य में भी मतलब कि कार्य लापरवाही करती है, इसलिए हम उनके केंद्र को प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक महीना हम लोग जांच करवाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने आदेश जारी किया। पोषण टेक में जो न्यू अपडेट आया हम लोग का 19.18, इसका आप लोगों को विशेषण वीडियो हम लोग बना चुके हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें इसमें क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। अब आप सभी को कैमरा के माध्यम से आप सभी का कैप्चा यानी कि रेगुलर आप लोगों को फोटो अपलोड करना पड़ेगा आपके पोषण टेक में। कितना इंपॉर्टेंट कार्य कर दिया गया है, कितना बड़ा आप सभी पर आप देखिए अपडेट आ गया। पहले आप सभी का लोकेशन आया था कि आप लोग केंद्र से कहीं ना जाएं, इसलिए आप सभी को लोकेशन आप लोगों का लिया जाएगा, केंद्र पर आप लोग है या नहीं है इसका आप लोगों को मॉनिटरिंग किया जाता था। अब आप सभी का डायरेक्ट लोकेशन से नहीं हुआ तो अब आप लोगों का कैमरा भी एक्शन कर दिया गया। अब आप लोग डेली फोटो खींचिए केंद्र पर कितना बच्चा है कितना क्या है, आप सभी का अब यहाँ से जाँच तो होगा ही। कितना बड़ा मॉनिटरिंग आप सभी को यहाँ पर एड कर दिया गया आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं बस इतना छोटा सा, आप लोग खुशी खुशी हड़ताल से वापस जा रहे हैं, सोच रखते हैं कितना बड़ा आप सभी के साथ यहाँ पर खेला जा रहा राजनीतिक। देखिए आप सभी को पोषण टेक में कितना बड़ा अपडेट आ गया, छोटा मोटा अपडेट नहीं है। आप सभी को डेली आप कैप्चा फोटो अपलोड करना होगा, कुछ दिन में आप सभी को लाइव वीडियो माध्यम से आप सभी का कैमरा ओपन होगा, कुछ दिन में आपका लोकेशन यहाँ शेयर होगा, मतलब कि क्या से क्या अपडेट आते रहेगा ये आप सभी नहीं जान रहे हैं। बहुत ही बड़ा आप सभी के साथ अपडेट किया गया है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आप लोग अपने संघ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को एक दिन आप सभी को जो अगर कहीं आप लोग गिरिएगा तो आप लोग संघ ही आप सभी के साथ खड़ा है, इसलिए आप लोग संघ पर विश्वास रखिए। बार बार आप सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आप सभी की उम्र में भले बहुत छोटे हैं लेकिन आप सभी को जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं जो समझ रहे हैं यही आप सभी को हम बताना चाह रहे हैं। देखिए एक लेटर है जो कि बिहार सरकार के द्वारा कल ही जारी किया गया 25/11/2023 को, देखिए इसमें क्या बोला गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के महत्वपूर्ण जानकारी है, जो सेविका सहायिकाएं अभी हड़ताल से वापस चलाई गई होगी उनको ये मैसेज तो मिल ही गया होगा कि आप लोग कार्य कीजिए। क्या बोला गया देखिए आप लोग, 26/11 रविवार को कार्यालय खोलने के संबंध में, सोच लीजिए आप सभी को अब छुट्टी के दिन भी आप सभी से कार्य लिया जा रहा है, रविवार को सभी जगह छुट्टी रहता है, बड़े बड़े से कार्यालय बंद रहते हैं, सोचिए आप सभी को कितना कम मानदेय में आप सभी को, देखिए रविवार को भी छुट्टी आप सभी का रद्द है, आप सभी को छुट्टी रद्द करके आप सभी को अब कार्य कीजिए, जाके कैंप लगाइए और पीएमएम का फॉर्म भरिए, ऑनलाइन भरिए ऑफलाइन भरिए, बिना कोई पैसा का आप लोग कार्य कीजिए। सोच सकते हैं कितना बड़ा आप सभी का शोषण किया जा रहा है, ये महिला पर्यवेक्षक का डायरेक्टली आदेश है, करना ही होगा आप सभी को। अगर आप लोग अभी कार्य पर होते तो आप सभी को करना होता, आज आप लोग फॉर्म को इकट्ठा करते, इस प्रकार से आप सभी के साथ शोषण किया जा रहा है। आप लोग समझिए अपने राजनीति को। और भी आप लोगों को बता दें जो आप सभी को हम सूचना देना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण और जानकारी है, देखिए आपके संघ लड़ रही है, देखिए क्या बोल रही है समझिए, संघ अपने लिए नहीं लड़ रही, आप सभी के लिए ही लड़ रही है, आपके हित में ही लड़ रही है। देखिए संघ के द्वारा पहले चयन रद्द करने का आदेश वापस लो, फिर हम लोग हड़ताल से वापस आएंगे। देखिए संघ क्या चल रहा है संघ के मन में, आप लोग समझ रहे हैं संघ आपसे मजाक कर रहा है या आप लोगों को भी चयन मुक्ति करना का मतलब कि आप लोग सोच रहे हैं कि बदला ले रहा है कि हम चयन मुक्त हो गए तो सेविकाओं को भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संघ के द्वारा कल भी जाके अपने सीडीपीओ महोदय से बोला गया है कि पहले जितने सेविका सहायिकाओं को आपने चयन मुक्ति किया है उनको पहले वापस लीजिए, उनके कार्य पर लीजिए, फिर हम लोग सोचेंगे कि ठीक है तो हम लोग अपने हड़ताल से वापस आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सेविकाओं को अपने कार्य पर लीजिए। साफ तौर से देखिए हड़ताल सेविका सहायिकाओं की एक टीम ICDS CDPO से मिलकर वार्ता की है। इस प्रकार से देखिए आप लोग कितना आप सभी के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन आप सभी अपने संघ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को शेयर करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया लेकिन आप सभी को एक और जानकारी आप लोग शेयर कर देते हैं फटाफट से। हम लोग हम पोषण ट्रैकर का जो अपडेट है जिससे कि आप लोग संतुष्ट होते हैं कि कहां पर कितना केंद्र खोला जा रहा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस जिला में कितना सेविका सहायिकाओं अक्टूबर महीना में अपने केंद्र को खोली है। देखिए कितना बढ़िया आप सभी को प्रदर्शन देखने का। सबसे पहले हम लोग बिहार में चलते हैं क्योंकि आप लोग बिहार में हड़ताल पर हैं। आप लोग चलिए बिहार में क्लिक करते हैं। आप लोग पहले बिहार का सिर्फ रिपोर्ट देखिए कि देखिए बिहार में टोटल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि 4,414 सेक्टर हैं जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना आंगनबाड़ी केंद्र ओपन किया गया है, मात्र 4,100 आंगनबाड़ी केंद्र ओपन किए गए हैं। ये बिहार का पूरा रिपोर्ट था। आप लोग को जिला दिखा दें थोड़ा सा, हम लोग आप लोगों को जिला दिखाते हैं कि सबसे बढ़िया आप लोगों को रिपोर्ट दिखेगा। देखिए हम लोग लखीसराय जिला दिखाते हैं, आप लोग अक्टूबर माह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं अक्टूबर माह। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देखिए रिपोर्ट, यहाँ पर 6 परियोजना है लखीसराय में, जो सेक्टर है वो 46 हैं, आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो 1,187 आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो कि 1,178 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। टोटल यहाँ पर आप नीचे आके देखिए थोड़ा सा, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र का विवरण में देखिए आप लोग, आंगनबाड़ी केंद्र कुल
1187 है, देखिए कितना ओपन किया गया है, आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन दिया गया। देखिए गलती से बाय चांस किसी का 9 आंगनबाड़ी केंद्र जो है ओपन हो चुका है, ये गलती से हुआ, ठीक है। कोई या तो इनका आईडी पासवर्ड जो है वो एलएस के पास होगा या कहीं होगा, उनके द्वारा ये ओपन कर दिया गया, यानी कि 7 वर्ष से माने कोई भी यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं है, 9 संख्या है ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये बाय चांस हो सकता है एक दो को कहीं से गलती से ओपन हो जाता है किसी के बारे में, क्योंकि पोस्टन टेकन अगर ओपन करते हैं डायरेक्टली वो क्लोज ओपन में चला जाता है, तो गलती से किसी से ये ओपन हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग कि पंडे डेज में देखिए सिर्फ मात्र 9 आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि 4 दिन आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया, मतलब कितना खराब प्रदर्शन देख रहे हैं, कि कितना बढ़िया लखीसराय में हड़ताल जारी रहा है, इसी प्रकार से अभी भी जारी है। आप लोग दूसरा देख सकते हैं और भी अपना, अगर आप लोग अपना जिला का देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए हम लोग पूर्णिया सेलेक्ट किए हैं तो देखिए 173, थोड़ा सा यहाँ प्रदर्शन खराब है, कुछ सेविका सहायिका यहाँ पर हड़ताल से वापस आई है, उन्होंने प्रदर्शन खराब किया है। बाकी बात आप लोग को दिखाएँ और भी सारे हैं जो कि जैसे कि आप लोग को दिखा दें, जहाँ पर आप लोगों को देखिए समस्तीपुर देख लेते हैं आप लोग। समस्तीपुर में देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर केंद्र हैं, देखिए 4000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें से 33 ही आंगनबाड़ी केंद्र ओपन किए गए हैं, यानी कि ये भी गलती से या किसी के एलएस के द्वारा खोल लिया गया, कैसे मतलब बाय चांस खोला गया, क्योंकि ये कोई प्रतिशत मात्रा नहीं है। आप लोग को दिखाएं अगर किसी दूसरे महीना का, जैसे कि आप लोग को दिखा देते हैं जुलाई का, देखिए जुलाई का देखिए टोटल खोला जा रहा था, देखिए आप लोग यहाँ पर 4851 खोला जा रहा था, यानी कि जो परसेंट बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अभी पूरा घट के यहाँ पर देखिए परसेंटेज पूरा घट चुका है, यानी कि 4000 में 33 आंगनबाड़ी खोला जा रहा है, ये बाय चांस किसी गलती के द्वारा खोला जा रहा है। तो आप लोग समझिए कि हड़ताल अभी जारी है और जारी रहेगा, जब तक आपके संघ के द्वारा ये उचित निर्णय नहीं आता है तब तक आप लोग अपने संघ पर विश्वास रखिए और एकता को कायम रखिए। इसी प्रकार से वीडियो जो है मिलते रहेगा हमारे चैनल पर, मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।